Good morning, comrades. This is Nyatum Doke again, back with another video. So as promised, I will be discussing about pattern and syllabus of examination, APPSC. So let's start. So I have a PDF of the syllabus issued by the APPSC. So this is the syllabus. First of all, there will be a preliminary examination of 400 marks, 200, 200 each in both the papers, general studies and aptitude test. So aptitude test or CSAT, which is just qualifying in nature. CSAT, you have to get 20 direct out of 80 questions. That means 33 questions, 33% you need to secure, जो कि 66 होता है. इसके बाद पेपर वन है जनरल स्टडीज, जिसमें जो पहले का सिलेबस था मोर और लेस सेम, ओनली सम ऑफ द फ्यू न्यू थिंग्स आर एडेड लाइक योर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक, सोशल सिक्योरिटी, सोशल सेक्टर, एनवायरमेंट, इकोलॉजी, दिस सम ऑफ द फ्यू थिंग वर्ड्स हैव बीन इंक्लूडेड, बट मोर और लेस इट इज सेम एज अर्लियर, बिकॉज पहले भी था इकोनॉमी बोलने से, इकोनॉमी का अंदर तो इंक्लूजन भी होगा, डेमोग्राफी भी होगा, सोशल सेक्टर भी होगा. सो जैस नो इस इंडियन पॉलिटी बोलने से उसमें पंचायती राज भी होगा, पब्लिक पॉलिसी भी होगा. सो इट्स मोर और लेस सेम, बट इट्स अ बिट इलाबोरेटेड. सो यू नीड नॉट वरी अबाउट द सिलेबस कि अभी सीसेट हो गया डरने का जरूरी नहीं. जैस अभी वही है कि यू हैव ए न्यू पेपर सीसेट, उसको थोड़ा फोकस करके पढ़ना. वी विल डिस्कस इट इन डिटेल इन माई नेक्स्ट वीडियो डेप्टर टूमोरो, हाउ टू क्रैक प्रीलिम्स, वी विल डील विद इट. तो इसके बाद है मेंस, कमिंग टू द मेंस, देयर आर फोर जीएस पेपर्स एंड देन वन एसए पेपर एंड वन इंग्लिश पेपर और एंड वन ऑप्शनल पेपर. सो उसमें क्या है कि योर इंग्लिश पेपर इज जस्ट क्वालिफाइंग इन नेचर, इट्स मार्क वोंट बी काउंटेड इन रैंकिंग और इन लिस्टिंग द कैंडिडेट्स इन द मेरिट लिस्ट. सो इट्स मार्क वोंट बी काउंटेड. पहले काउंट होता था, इस बार भी काउंट हुआ है 2017 वाला में जो वी हैव अपीयर्ड. सो दिस टाइम इट इज़ जस्ट क्वालिफाइंग इंग्लिश में, इसलिए ज़्यादा वो करने का, इसमें टॉयल करने का जरूरी नहीं. सो देन देयर इज एसे पेपर, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर एसे पेपर, इट्स अप 250 मार्क्स. सो देयर विल बी टू एसेस, यू हैव टू राइट टू एसेस एंड बोथ ऑफ द एसेस नीड टू बी रिटन. इसके बाद उसका है कि आपका 125 मार्क्स का है ईच एसेस ऐसे, तो उसको आप जैसे भी लिखना है दोनों को वो है. इसके बाद पेपर टू है आपका जनरल स्टडीज वन, जिसमें कि इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी. तो इसमें कल्चर के बारे में कुछ है, इसके बाद इंडियन हिस्ट्री के बारे में है, एंड देन योर पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडियन सोसाइटी, एंड देन देयर आर लाइक वेरियस फेनोमेना ऑफ जो ज्योग्राफिकल फेनोमेना होता है, वोल्केनो वगैरह के बारे में है, लैंडस्लाइड वगैरह के बारे में है. इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज के बारे में है. इसके बाद आपका ये जो सुनामी वगैरह के बारे में है. सो दिस इज़ दैट पेपर. सो इसके बाद है पेपर थ्री, जिसको कि GS2 बोलता है. उसमें है कि बेसिकली इंडियन पॉलिटी, IR, योर सोशल जस्टिस, जो कि अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कि हम लोग बहुत हर कोई लाइक करता है कॉन्स्टिट्यूशन को. सो वो है. इसके बाद इसमें आपका SSG, NGOs, RPA एक्ट के बारे में, पॉवर्टी, हंगर, ये सब के बारे में है. इसके बाद सिविल सोसाइटीज. सो दिस आर द थिंग्स विच आर इंक्लूडेड इन जनरल स्टडीज टू पेपर. देन देयर इज जनरल स्टडीज थ्री पेपर, विच इज कॉल्ड पेपर फोर. तो उसमें बेसिकली दैट इज रिलेटेड टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी, देन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसके बाद बायोडाइवर्सिटी, एनवायरमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट. सो इसमें क्या होता है कि इस पेपर में ये आपका इकोनॉमिक पोर्शन जो प्रोमिनेंट रहता है, हर बार देखा गया है इकोनॉमिक सेक्शन प्रोमिनेंट रहता है, बट स्टिल यू नीड टू कवर ऑल द पार्ट्स इन द सिलेबस, एवरी वर्ड इन द सिलेबस यू नीड टू कवर. तो इसमें देखिए आपका इंडियन इकोनॉमी तो है, इंक्लूसिव ग्रोथ, गवर्नमेंट बजटिंग, मेजर क्रॉप्स, इसमें भी ज्योग्राफी आ गया है, इश्यूज रिलेटेड टू डायरेक्ट इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडीज, दिस आर ऑल इंक्लूडेड इन द इकोनॉमी, और फूड प्रोसेसिंग, दिस आर इंक्लूडेड इन द इकोनॉमी ओनली. लेकिन ऐसे उन लोग थोड़ा इलाबोरेट करके दे दिया है, लिंकेज बिटवीन डेवलपमेंट एंड स्पेट ऑफ एक्सट्रीमिज्म, दिस इज सिक्योरिटी बट लिंक्ड विद इकोनॉमी एज वेल. तो IT, स्पेस, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, दिस आर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और
इसके बाद है आपका इन्वेस्टमेंट मॉडल, दिस इज ऑल्सो इकोनॉमी इंफ्रास्ट्रक्चर, इट्स ऑल्सो इकोनॉमी इफेक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन इकोनॉमी लैंड रिफॉर्म्स इज ऑल्सो इकोनॉमी. सो यू नीड नॉट वरी अबाउट द एक्सटेंसिव सिलेबस, बट यू नीड टू रीड फ्यू बुक्स, फ्यू सिलेक्टिव बुक्स विच विल कवर ऑल दिस टॉपिक्स. इसके बाद है आपका पेपर फाइव जो कि आपका है एथिक्स एंड एथिक्स इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड. दिस इज़ द न्यू पेपर. सो ये न्यू पेपर है जो कि इस बार ढाला गया इधर में. सो दिस विल बी टोटली न्यू फॉर यू. वी विल डील विद इट, वी विल हैव क्लासेस ऑफ दिस एथिक्स पेपर, हाउ टू राइट आंसर्स ऑफ एथिक्स. सो वही ये भी 250 मार्क्स का है. तो ओवरऑल उसके बाद ऐसा करके हो जाता है आपका, उसके बाद है आपका एक ऑप्शनल पेपर जिसका कि पेपर वन और टू रहता है. तो उतना ही, दैट इज़ द सिलेबस. एंड इतना सिलेबस ऐसा हो गया बोल के आपका ये चार पेपर जनरल स्टडीज़ का हो गया बोल के, इट्स नॉट लाइक कि इट हैज़ बिकम वास्ट और इट हैज़ चेंज अ लॉट फ्रॉम अर्लियर सिलेबस. इट इज़ सेम ओनली, जस्ट द थिंग इज़ दैट पहले दो था तो डेट हैज़ बीन कैटेगराइज इन टू थ्री डिफरेंट सिलेबस, उसको भाग भाग करके तीन बना दिया. पहले और भी ज़्यादा अरुणाचल वगैरह का भी बहुत सारा था, बट दिस टाइम इट इज़ नॉट देयर. बट आई गेस, बट आई एम श्योर डेट अरुणाचल का भी आएगा, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर बोलो हिस्ट्री बोलो तो अरुणाचल का भी अपना हिस्ट्री है. सो यू नीड टू रीड अबाउट अरुणाचल हिस्ट्री ऑल्सो, सो डेट यू मे नॉट एंड अप कंप्लेनिंग लेटर दैट इट इज़ आउट ऑफ सिलेबस और समथिंग लाइक दैट. तो वो चीज़ को ध्यान में रखिए, अरुणाचल को मत छोड़िए, इन सबका साथ अरुणाचल वाला को भी पढ़िए. और उसके बाद वही है कि आपका ये 250 का चार पांच पेपर, इसके बाद आपका ये ऑप्शनल 500 तो उतना ही है आपका. तो कितना मार्क्स हो गया आपका, ये 800 प्लस 1750 मार्क्स, एंड देन योर इंटरव्यू 275 मार्क्स. सो दिस द थिंग. ओके थैंक यू. वेब आई थिंक यू गाइस आर क्लियर विद द सिलेबस. आफ्टर टुमारो वी विल लाइक मेक अ प्लान टू और स्ट्रेटेजी टू क्रैक प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, बिकॉज नाउ प्रीलिम्स इज अप्रोचिंग. सो वी नीड टू ड्रॉ अ प्रॉपर प्लानिंग फॉर क्रैकिंग द प्रीलिम्स. थैंक यू वेरी मच. कीप लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग.